हेलो बच्चों बच्चों, आज हम करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर टॉपिक है हमारे पास कि प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे नॉर्मलाइजेशन की, जो हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स हमें और चाहिए होते हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, देन आगे के फर्दर टॉपिक करेंगे। वो प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं। देखो वो क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि इन 1NF 2NF एंड 3NF वी डीकम्पोज रिलेशन टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी। वो कहता है कि हम क्या करते हैं 1NF 2NF 3NF के अंदर हम क्या करते हैं टेबल्स को डीकम्पोज करते हुए चले जाते हैं ताकि क्या हो, हम रिडंडेंसी को रिमूव कर सके। सबसे बड़ा टारगेट तो रिडंडेंसी को ही रिमूव करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अब हम किसके बेस पे करते हैं, जब डीकम्पोज करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस पे, जैसे कि भाई ये हमारा फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव रिलेशन फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड या कंपोज एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, इन्हीं के बेस पे ही तो हम फर्स्ट 1NF 2NF और 3NF पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, बट अलोन दीज आर नॉट सफिशियंट पैरामीटर्स फॉर गुड रिलेशनल स्कीमा। बट ये कहता है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं ना, ये अकेला इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप एक गुड रिलेशन स्कीमा बना सको। दैट मींस कि भाई हो सकता है जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हम सोच के चल रहे हैं कि हाँ ये फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए तब हम करेंगे या ट्रांजिटिव होना चाहिए तब करेंगे, तो हो सकता है इनकी वजह से आगे जाके कुछ दिक्कत आ जाए। तो इन्होंने क्या कहा आगे कि भाई इनकी वजह से जो दिक्कत आएगी तो हो सकता है कि गुड रिलेशनल स्कीमा जो हम टेबल्स बना रहे हैं वो सही ना हो। अब आगे देखते हैं पॉइंट ये क्या कहता है। सो फॉर मेकिंग गुड डिजाइन टू एडिशनल प्रॉपर्टीज आल्सो मस्ट होल्ड ऑन द डीकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। तो क्या कहता है कि भाई अगर आप चाहते हो कि जो हमने टेबल डीकम्पोज करे हैं, ठीक है, मतलब जो नॉर्मलाइजेशन हमने अप्लाई करी है वो क्या करे, गुड डिजाइन दे, तो हमें क्या चाहिए, दो एडिशनल प्रॉपर्टीज और चाहिए नॉर्मलाइजेशन के अंदर, जिसके बाद हम क्या कहेंगे समवेयर कि हाँ अब हम जो 1NF 2NF 3NF ये जो आगे हम करेंगे कि समवेयर हम सही जा रहे हैं, रिडंडेंसी भी रिमूव कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि वो टू प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टीज होती है लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट है लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टीज और सेकंड है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टीज। अब इनको देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। देखो लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इट एंश्योर्स दैट नो डेटा विल बी लॉस्ट आफ्टर डीकम्पोजिशन। ये कहता है कि भाई जब आप टेबल को उठा के डीकम्पोज करते हो नॉर्मलाइजेशन के अंदर, तो अगर ये प्रॉपर्टी आपने फॉलो करी होगी तो कोई डेटा लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन रिकवर द ओरिजिनल रिलेशन फ्रॉम द डीकम्पोज रिलेशन। भाई कोई डेटा जब लॉस्ट नहीं होगा, जिसका मतलब क्या है कि अगर मैं डी नॉर्मलाइजेशन करूँ, वापिस मैं बैक मारूँ, तो क्या होगा कि भाई अगर मैं जो टेबल में डीकम्पोज किया है उससे मैं सारा जो अपना पिछला जिससे मेन ये डिकम्पोज हो गया है उससे उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ, मतलब डेटा आप रिकवर कर सकते हो सारा का सारा, कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ली है कि एक रिलेशन है मेरे पास आर, जिसको मैंने डिकम्पोज करके R1 R2 R3 ऐसे RN तक कर सकता हूँ, जिसमें क्या कहता है कि भाई रिकवर कैसे करोगे, अगर आपके पास ये आया है तो आप इनसे आर को रिलेशन को दोबारा रिकवर कर सकते हो। ठीक है, कैसे होगा, देखो जब लॉसलेस ज्वाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं R1 और इसका जो हम ज्वाइन ये नेचुरल ज्वाइन होता है, याद रखना, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन ऑफ R2 ऐसे नेचुरल ज्वाइन ऑफ R3 ऐसे हम जब RN तक करेंगे ज्वाइन करके तो मेरे पास ओरिजिनल रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो कोई डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि जब भी आप डीकम्पोज करो तो ये प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो मेरे को ये मिलना चाहिए। ठीक है, तब मैं क्या कहूँगा कि मेरा भाई कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखो इट जब ये आएगा ना, जब ये रिजल्ट आता है तो इट कंटेन्स इक्वल और लेस नंबर ऑफ टप्पल्स विदाउट लूजिंग द डेटा। यस, ये कहते हैं या तो पूरे के पूरे जितने थे उतने आ जाएंगे या कम टप्पल भी आ सकते हैं, बिकॉज रिडंडेंसी भी तो आप रिमूव कर रहे हो ना साथ साथ, तो रिडंडेंसी में क्या हो गया आपके नंबर ऑफ टप्पल्स कम हो जाते हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको तो भी तो कम कर रहे हो, तो वो चीज आप फंक्शनल डिपेंडेंसी से भी लगा रहे हो। तो इक्वल होंगे या लेस होंगे, ज्यादा नहीं होंगे,
बट मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं, कुछ बुक ये कहती है कि इक्वल नंबर ही आने चाहिए, तो वो हम देखेंगे आगे जाके कि मेन मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि मेरा डेटा नहीं लॉस होना चाहिए। जब देखेंगे कि हाँ मेरा डेटा मिल रहा है तो फिर वहां पे पॉइंट को हम और देखेंगे अच्छे से। तो इक्वल या लेस होने चाहिए बट ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे लूजी ज्वाइंट, बट अगर ज्यादा हो जाए तो तब हम उसको क्या कहेंगे, भैया जो आप जो टप्पल्स ज्यादा आ गए हैं, कम आने चाहिए था, इक्वल आने चाहिए, ज्यादा क्यों आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आने चाहिए। दैट मीन्स कि जो आपने इसको किया ना आर वन और आर टू का मतलब आर एन तक, वो सुपर सेट है आर का, मतलब सुपर सेट का मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है ना इसके अंदर क्या चीज है, बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा टप्पल्स है जो हमारे आर में नहीं थे, ठीक है। तो सुपर सेट इसलिए कह रहे हैं, तो ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर ज्यादा होते तो हम क्या कहेंगे, लूजी ज्वाइन है भाई, आपने सही से ज्वाइन नहीं किया है, इसमें मतलब लॉसलेस नहीं है, लूजी है, ज्यादा आ रहे हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, देखो पॉइंट क्या कहता है जो मेन है, लॉसलेस ज्वाइन इज अ कंपल्सरी इन नॉर्मलाइजेशन। जब आप नॉर्मलाइजेशन करो तो ये कंपल्सरी, ये जो सिचुएशन है, ये प्रॉपर्टी जरूर उसके अंदर होनी चाहिए। जब डीकम्पोज आप करोगे रिलेशन को, तो जब डीकम्पोज करो तो हमें ये चीज इंश्योर करवानी पड़ेगी कि मेरे पास ये ज्वाइन लगा के मेरे पास ओरिजिनल टेबल रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। क्या कहती है कि इट इंश्योर्स फंक्शनल डिपेंडेंसी कीप अलाइव आफ्टर डीकम्पोजिशन। भाई जिसका मतलब क्या हुआ कि जो डिपेंडेंसीज हम लेके चले थे ओरिजिनल टेबल की, वो सही रहनी चाहिए, मतलब जिंदा रहनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वो कुछ जब हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो कुछ क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी और रिलेशन के साथ चली जाती है, कुछ किसी और रिलेशन के साथ चली जाती है। तो जब हम इनको जोड़े तो हमें वो ओरिजिनल जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी आर टेबल की, वो जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कंडीशन, बट ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि आप हर बार इसको जाके चेक करो, हो सकता है कई बार स्किप हो जाती है या कोई बात नहीं, बट जब हमने टेबल को फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस पे किया है तो ये समवेयर हमें मिल जाती है, बट मैंडेटरी नहीं है कि हाँ एक आधी छूट भी जाए कोई बात नहीं। तो जैसे इसमें एक मेरे पास रिलेशन है उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ है, ठीक है, इसके अंदर पांच सात जो मान लो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, जब मैंने इनको ब्रेक किया आर वन आर टू में, तो मान लो आर वन की फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हम बनाई वो एफ वन है और आर टू की जो बनाई वो एफ टू है। तो ये कहता है कि जब भी भाई अगर ये हमें प्रॉपर्टी इंश्योर करवानी है कि हाँ इसके अंदर है, तो क्या होना चाहिए कि मैं एफ वन का यूनियन ले लूँ एफ टू के साथ, एफ वन का यूनियन एफ टू के साथ, और जब मैं इनका क्या करूँ क्लोजर निकालूँ तो मेरे पास ये सारी की सारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसका क्लोजर वो सारी की सारी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होगी तो हम क्या कहेंगे, यह इंश्योर कर रहा है बट मैंडेटरी नहीं है। तो गाइज ये था प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मलाइजेशन के अंदर, लॉसलेस ज्वाइन एंड द डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल लेंगे, देन फिर हम देखेंगे कुछ और चीज़ों के साथ कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दो तीन वीडियो तक चलेगा ये टॉपिक, फिर हम अपनी जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है उस पर वर्क करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपके पास आज का टॉपिक, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।